नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके स्टोर में आपका स्वागत है। राजस्थान पिछड़ा वर्ग विधेयक 2017 विधानसभा में पारित हो चुका है और इसमें जो गुजरों के लिए ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़ाकर 26% कर दिया गया है और इसी से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आगे इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और आगे वीडियो में इस विधेयक को पारित होने के बाद भास्कर ने राजस्थान सीएम श्रीमती वसुंधरा राजे से उनका इंटरव्यू लिया गया और उनसे क्या प्रश्न पूछे गए उसकी जानकारी भी हम आगे आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले इस विधेयक को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको देते हैं। राजस्थान पिछड़ा वर्ग विधेयक 2017 पारित, सरकार नोटिफिकेशन से तय करेगी कोटा। और यहाँ पर जो ओबीसी आरक्षण था वो 21 से बढ़ाकर 26% कर दिया गया है, कोर्ट का खतरा बरकरार। और यहाँ आप देख सकते हैं गुजर सहित 5 जातियों के लिए शिक्षा व नौकरियों में 5% आरक्षण के रास्ते खुल गए हैं। गुरुवार को विधानसभा में राजस्थान पिछड़ा वर्ग राज्य की शैक्षिक समस्याओं में सीटों, राज्य के अधीनस्थ सेवाओं में नियुक्ति और पदों का आरक्षण विधेयक 2017 पारित हो गया है। अब जल्द ही राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करके ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 26% करेगी। हालांकि विधायक प्रहलाद गुंजल, घनश्याम तिवाड़ी, हनुमान बेनीवाल, माणिकचंद सुराग सहित कई विधायकों ने कहा कि इस तरह से आरक्षण के लिए केंद्र में अमेंडमेंट का प्रोसेस राज्य सरकार को पूरा करना चाहिए था। विधेयक के प्रावधानों में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने में इसका वर्गीकरण किया जाना चाहिए था। सरकारें नोटिफिकेशन के माध्यम से समय समय पर तय करेगी कि नौकरियों, शिक्षा में कितना आरक्षण रखना है। ऐसे में सरकारी नोटिफिकेशन को चैलेंज होने का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। और यहाँ पर आप नोटिफिकेशन खारिज हुआ तो दूसरा लाएगी सरकार। विधायकों ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का नोटिफिकेशन कोर्ट खारिज करेगा तो राज्य सरकार दूसरा ले आएगी, इस तरह का खेल कब तक चलेगा। उधर ओबीसी आरक्षण 26% करने के चक्कर में कुल आरक्षण 54% हो जाएगा। ऐसे में आशंका इस बात की भी रहेगी कि पूरा ओबीसी आरक्षण कोर्ट के चक्कर में फंस ना जाए। और यहाँ पर गुजरों को डर, कोर्ट में अटकेगा आरक्षण। गुजर आरक्षण संघर्ष समिति के महामंत्री शैलेंद्र सिंह का कहना है कि विधेयक के वैधानिक प्रावधानों में ओबीसी आरक्षण 26% बढ़ाने का उल्लेख नहीं है, वर्गीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। दोनों मामलों में नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार ले रही है, इस पर कोर्ट में एक्शन होने का खतरा बरकरार है। संघर्ष समिति की ओर से राज्य सरकार को आपत्ति दर्ज करा दी गई है। और यहाँ पर आप ये जो आरक्षण था वो 21 से बढ़ाकर 26% कर दिया गया है। अब आगे जानते हैं सीएम राजे का जो इंटरव्यू लिया गया उसके बारे में। गुजर आरक्षण से लेकर उपचुनाव तक मुख्यमंत्री राज्य से सभी मौजूदा मुद्दों पर सवाल जवाब। गुजरों को संविधान के दायरे में देंगे आरक्षण, 36 कौमों को साथ लेकर चलेंगे। और यहाँ पर सीएम राज्य से एक क्वेश्चन पूछा गया, विधानसभा सत्र का समाप्त हुआ है, ये सत्र आपके लिए क्या मायने रखता है। और इसके बाद उनसे पूछा गया, गुजर आरक्षण पर बिल पास हो चुका है, क्या आपकी सरकार गुजरों को आरक्षण देना चाहती है। इसका जवाब दिया गया, आरक्षण देने के लिए ही तो बिल लाए हैं, हमारी मंशा पहले भी थी और आज भी है, क्योंकि मैं हमेशा 36 कौमों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती हूँ। संविधान के दायरे में आरक्षण देंगे, ये हमारे संकल्प पत्र में भी हैं। तो इस प्रकार से उनका साक्षात्कार लिया गया और इस तरह से उनसे सवाल पूछे गए। और उम्मीद है दोस्तों कि जो ये अगर गुजर रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन क्लियर होता है और इससे जो राजस्थान में जो वैकेंसीज इनके चक्कर में पेंडिंग है उनके भी रास्ते खुलेंगे और उनका भी नोटिफिकेशन, वैकेंसियों का नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट्स के द्वारा जारी किया जाएगा।
और बाकी आगे से संबंधित जो भी हमें न्यूज़ मिलेगी उसका अपडेट आपको हम रेगुलर देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।